इस एपिसोड के शुरुआत में सियान ने किसी को भी अपना इंटरव्यू नहीं दे रहा होता है और ना ही किसी से बात करने को तैयार होता है। फिर सुई असिस्टेंट चैन को कॉल करती है और उसे पूछती है कि क्या सियान मुझे इंटरव्यू दे सकता है। तो असिस्टेंट चैन कहने लगता है कि सियान किसी को भी इंटरव्यू नहीं दे रहा है। ये सुनने के बाद सुई कुछ नहीं कहती है और उसे पता चलती है कि सियान इस वक्त बहुत मुश्किल में है। रात में जब सियान घर पर आता है तो सुई लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो सियान को देखती है तो वो लैपटॉप को बंद कर देती है। सियान उसे पूछने लगता है कि तुम लैपटॉप पर क्या देख रही थी, लेकिन सुई उसको कुछ नहीं बताती है और वहाँ से जाने वाली होती है। तभी सियान सुई को रोक लेता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताई तुम क्या कर रहे थे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा बीच कोई भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। तो सुई बताने लगती है कि मैं आज असिस्टेंट चैन को कॉल की थी तो मुझे तुम्हारे कंपनी के सिचुएशन के बारे में पता चली है। ये कहकर सुई सियान को हक करती है। अगले दिन ई सुई को अपने ऑफिस में बुलाती है और वो सुई से सियान का इंटरव्यू के बारे में पूछती है। तभी सुई कहती है कि मैं अभी सियान का इंटरव्यू लेना नहीं चाहती हूँ और ना ही वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। तो ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि सियान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे काम पर इमोशन को नहीं लाना चाहिए। सुई कहती है कि मैं इस बात को समझती हूँ और प्रोफेशनल ही मैं ऐसा इस वक्त नहीं करना चाहती हूँ। तभी ई भी सुई की बात मान जाती है। इसके बाद जब मीटिंग होता है तब सुई की फ्रेंड इंटरनेट में सियान का कंपनी के बारे में बहुत बुरे कमेंट्स को पढ़ रही होती है, जिसको सुनकर सुई सैड होती है। तो सुई ई से कहती है कि मैं सियान का इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हूँ। फिर सुई रात तक बैठकर सियान का कंपनी के बारे में एक अच्छा आर्टिकल लिखती है। जब ये आर्टिकल लोग पढ़ते हैं तो सभी लोग सियान के कंपनी के बारे में इम्प्रेस होते हैं। दूसरा और ऑफिस में सियान भी इस आर्टिकल को पढ़कर मुस्कुरा रहा होता है। रात में जब सियान घर पर आता है तो वो सुई को हक करता है और सुई की चीक्स पर किस करने लगता है। बाद में सुई को थैंक्स कहता है। इसे सुनकर सुई खुश हो जाती है। अगले दिन जब सियान ऑफिस जाता है तो अंकल जैंग और तियांग सियान की तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके फैसला के वजह से कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होता है। दूसरे और सी लिंग की इंटर्न को अपने साथ लेकर आती है, जो सुई से कहती है कि ये आपके साथ काम करना चाहती है, इसलिए सुई मान जाती है। ये सुनकर तो वो लड़की और सी यू खुश हो जाते हैं। फिर जब सुई काम खत्म करने के बाद ऑफिस से बाहर आती है तो यहाँ पर एक लड़का बहुत अच्छे से गाना गा रहा होता है। तभी सुई उसे पैसा देने चाहती है, लेकिन उसकी बैग में पैसा नहीं होती है। तो वो उस लड़के से कहती है कि क्या मैं तुम्हें वीचैट में ऐड कर लूँ। यहाँ पर सियान भी खड़े होकर सुई को इंतज़ार कर रहा होता है और वो सुई की बात सुन लेता है और वो कहता है कि जब मैं तुम्हारा साथ हूँ तो तुम्हें उसकी वीचैट क्यों चाहिए। सियान को देखकर सुई कहती है कि मैं इसे वीचैट के जरिए पैसा देने वाली थी, और सुई सियान के पास जाकर उसे हक करती है। तभी सियान सुई को यहीं पर किस करने लगता है। अगले दिन सुई अपने और सियान की तस्वीर को अपनी टेबल पर रख लेती है। काम से वापस आने के बाद सुई सोफा में सो जाती है। फिर सियान सुई के पास बैठकर उसके बाल को ठीक करने लगता है। इतने में वहाँ पर स्नोफॉल शुरू होता है तो सियान सुई को उठा लेता है। तो सुई भी उठकर स्नोफॉल को देखने लगती है। तभी सियान पीछे से आकर सुई को हक करता है और उसके साथ स्नोफॉल को देखने लगता है। फिर वो सुई की चीक्स पर किस करता है तो सुई भी सियान को किस करने लगती है। अगले दिन सुई सीयू को एक डॉक्यूमेंट दे रही होती है। जब सीयू डॉक्यूमेंट को देखती है तो सीयू के आर्टिकल फ्रंट पेज में छपा होता है और अब सीयू भी एक जर्नलिस्ट बनने एक्सेप्ट हो चुकी होती है। ये देखकर सीयू बहुत खुश होती है। दूसरे और गुहान जी यू और सियान बिजनेस के बारे में यू के घर में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी डोर बेल बजता है तो यू डोर ओपन करने के लिए जाता है तो यहीं पर सीयू आती है और वो एक्साइट होकर यू को हक करती है
और उसे बताने लगती है कि मैं आज जर्नलिस्ट बन चुकी हूँ। तभी उनके पास गुहांजी और शियान आते हैं। सीयू उन दोनों को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। तभी शियान यू से, अब तुम मुझे अंकल बुलाओ। इस बात को सुनने के बाद यू और सभी यहाँ पर हंसने लगते हैं। फिर हम एक इवेंट देखते हैं जहाँ पर बेस्ट जर्नलिस्ट के लिए अवार्ड दे रहे होते हैं। यहीं पर सुई को बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड मिलती है। फिर हम लियोन टेक्नोलॉजीज का सीन को देखते हैं। यहाँ पर चेंगकांग कंपनी का सक्सेस होने के लिए पार्टी अरेंज कर चुका होता है। यहाँ पर यांग और शियान और सुई भी होते हैं। फिर इसके बाद शियान सुई को रिंग पहनाकर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। सुई शियान का प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। इसे सुनकर शियान खुश होकर सुई को उठा लेता है। अगले दिन जब सुई काम पे ई के ऑफिस में जाती है, तभी ई सुई को उसकी मैरिज कार्ड को देती है। इसे देखकर सुई शॉक हो जाती है। और फिर हम मैरिज का दिन को देखते हैं, जहाँ पर ई और मिस्टर गुहान के शादी हो रहा होता है। जब ई फूल के बुके को फेंकने लगती है, तो यहाँ पर यू गुहान जी और शियान अपने अपने गर्लफ्रेंड से कहते हैं कि ए बुके को तुम्हें ही पकड़ना चाहिए। जब ई बुके को फेंकने लगती है, तभी सभी लड़कियाँ फूल के बुके को पकड़ने एग्जैक्ट होकर कूदने लगते हैं।